हेलो हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं अपनी नई वीडियो लेके आप लोगों के समक्ष पेश हुआ हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है संघीय संसद। तो आज जो हम पढ़ेंगे संघीय संसद के बारे में, तो आज का जो हमारा टॉपिक है संघीय संसद। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पिछली कई वीडियो में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि संसद क्या है। तो ये मैं भारत की संसद राष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। इसका जो विवरण जो आर्टिकल 79 में दिया गया है, ठीक है। तो संसद क्या है, राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा को मिला के जो हमारी संसद बनी है, ठीक है, इतनी याद रखना वही बात। और इसका जो विवरण दिया जो इस अनुच्छेद 79 में बताया गया है, ठीक है। तो बात करूँगा राज्यसभा। राज्यसभा जो है कि उच्च सदन है, ठीक है, संसद का जो है कि उच्च सदन है, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या का अधिक से अधिक संख्या जो है 250 है, ठीक है। अधिक से अधिक संख्या जो है कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। और जो राज्यसभा जो तैयार होती है, इसकी संरचना जो तैयार हुई है वो आर्टिकल जो है 80 में तैयार हुई है, ठीक है। तो इसकी संरचना आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा की संरचना कौन से अनुच्छेद में हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह अनुच्छेद 80 में हुई है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु, जब अगर राज्य कोई व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य चुनना चाहता है, आगे चुन जो सदस्य होता है उसकी आयु जो है कम से कम 30 वर्ष तो होनी ही चाहिए, ठीक है। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है, जो इस वर्तमान जो है प्रेजेंट टाइम में जो है इसकी जो है संख्या जो है 245 है। इसमें जो 12 सदस्य जो हैं राज्यसभा में जो हैं राष्ट्रपति द्वारा जो निर्वाचित होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। वे ऐसे व्यक्ति जो 12 जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें जो कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवाएं और में जो है अधिक से अधिक ज्ञान होना हो उनको, तो इन व्यक्तियों को जो राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है, ठीक है। शेष जो है और बाकी दो जो शेष 233 जो हमारे सदस्य संघीय इकाई के होते हैं, जो प्रतिनिधित्व अपने हिसाब से करते हैं, जो जो है चुन के आए होते हैं। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, ठीक है। राज्य मैंने पहले बोला कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, पर इसके जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए कार्यरत होते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ष जो है एक तिहाई भाग जो है इनके जो सेवानिवृत्त होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। अब बात करूंगा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कि किस राज्य में कितने राज्यसभा के सदस्य चुन के जो है हमारी संसद में पहुँचते हैं, ठीक है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो है 31 सीटें हैं, ठीक है, राज्यसभा की जो है 31 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। बात करूंगा तमिलनाडु की, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। बात करूंगा बिहार में 16 सीटें हैं। बात करूंगा पश्चिम बंगाल की, उसमें 16 सीटें हैं। कर्नाटका में 12 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में भी 11 सीटें हैं। और बात करूंगा गुजरात की, गुजरात में जो 11 सीटें हैं। ओडिशा में भी 10 सीटें हैं। राजस्थान में 10 सीटें हैं। केरला में 9 सीटें हैं। पंजाब में 7 सीटें हैं और असम में भी 7 सीटें हैं। बात करूंगा तेलंगाना जो है इसमें जो है 7 सीटें, तेलंगाना राज्य 2014 में बना हुआ था, ठीक है। झारखंड में 6 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं। हरियाणा में 5 सीटें हैं और हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें हैं, ठीक है। उत्तराखंड की बात करूंगा, इधर भी 3 सीटें हैं। नागालैंड में 1 सीट है, मिजोरम में 1 सीट है, मेघालय में 1 सीट है, मणिपुर में 1 सीट है, सिक्किम में 1 सीट है, अरुणाचल में 1 सीट है और गोवा में भी जो है 1 सीट है, ठीक है। तो इतना आपने याद रखना है ये बातें। और अब बात करूंगा मैं जो हमारे संघीय क्षेत्र है, ठीक है, जो हमारे यूटी हैं, तो ठीक है। तो इसमें जम्मू कश्मीर में जो है 4 सीटें हैं, पुदुचेरी में जो है 1 सीट और दिल्ली में 3 सीटें हैं, ठीक है। मैं बता रहा था आपको राज्यों में कितनी सीटें हैं। तो बात करूंगा संघीय क्षेत्र जो हमारे जम्मू कश्मीर जो है यूटी जो है आजकल उसमें जो हमारी 4 सीटें हैं जो है, ठीक है। और बात करूंगा मैं दिल्ली में जो हमारी 3 सीटें हैं, पुदुचेरी में जो 1 सीट है, ठीक है। जो हमारे राज्यसभा के प्रथम जो उपसभापति थे वो श्री एस वी कृष्णामूर्ति राव थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। तो बात करूंगा राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, जो इसका विधान जो है आर्टिकल 89 में इसका जो है विचार, इसमें इनमें जो विचार विमर्श किया गया है, ठीक है। बात करूंगा भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखो भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है।
राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब 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 उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। ठीक है, बोलने का मतलब जब उपसभापति जो है इसका जो पद रिक्त होगा तो उसमें जो ये जो है राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को जो अपने सभापति चुनेगी। ठीक है, अब बात करूंगा उपसभापति का पद रिक्त होने पर पद त्याग और पद से हटाया जाना, इसका विवरण जो आर्टिकल 90 में 90 में दिया गया। ठीक है, उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है, ठीक है, उपसभापति अगर राज्यसभा का सभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसे जो अपने पद से जो त्याग देना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, वो सभापति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ठीक है, उन सभापति को संबोधित करते हुए, ठीक है, यानी कि उनके पास जो अपनी अर्जी लगा के जो है उनके पास जो अपना जो रिजाइनिंग लेटर है उसको देना। ठीक है, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद को हटाया जा सकता है। ठीक है, ये भी राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है सभापति को जो होता है इनका। ठीक है, उपसभापति को मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, जो मंत्री पद जो बनाया होता है इनका वो जो है राज्यसभा के प्रति कुछ उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, धन विधेयक राज्यसभा के पुनः स्थापित नहीं किए, यानी कि जो धन विधेयक है वो राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, इसका विवरण जो आर्टिकल 109 में दिया गया है। ठीक है, मतलब धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को उसको तारीफ करने का जो अधिकार है उसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। ठीक है, इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। ठीक है, अब बात करूंगा राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार जो राज्यसभा का अधिवेशन आहूत कर सकता है, इनकी राज्यसभा इनको जो बुला सकता है। ठीक है, अधिवेशन कर सकता है। बात करूंगा मैं राज्यसभा का प्रथम बार गठन कब हुआ था, तो राज्यसभा का प्रथम बार गठन जो था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है, लेकिन इसकी पहली बैठक जो थी 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, ये याद रखना है, ये पूछा जा रहा राज्यसभा की प्रथम बार गठन कब हुआ, तो इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, तो इसकी प्रथम बैठक थी 13 मई 1952 को हुई थी। बात करूंगा ऐसे राज्य जो है राज्यसभा में जिनके जो एक भी पदाधिकारी नहीं है, जिनके एक भी सीटें नहीं है, तो उनमें से सबसे अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, दादर व हवेली है, दमन एवं द्वीप है और लक्षद्वीप है। ठीक है, इनमें जो है कोई सब राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई भी इधर से जो है राज्यसभा का कोई व्यक्ति प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। बात करूंगा अब संसद भवन की, संसद भवन एक जो वृत्ताकार जो गोल एक भवन है। ठीक है, वृत्ताकार भवन है, इसका डिजाइन जो है आर्किटेक्ट जो है इसका जो किसने तैयार किया था, इसमें से ना सर एडविन लुटियंस एवं सर हैबर्ट्स ब्रेकर ने जो है 1912-13 में इसको डिजाइन को जो है तैयार किया था। किसने, ये था सर एडविन लुटियंस एवं सर हैबर्ट्स ब्रेकर ने। ठीक है, तो इसकी कब किया था, 1912-13 में इसका जो डिजाइन जो था तैयार किया था। ठीक है, और इसकी नींव कब रखी गई थी, इसकी नींव रखी गई थी 12 फरवरी 1921 को। इसकी नींव कब रखी गई थी, 12 फरवरी 1921 को इसकी नींव रखी गई थी। इसकी संरचना में बाहरी परिधि जो होती है, इसकी संरचना जो बाहरी परिधि जो होती है उसकी परिधि में जो है 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है, यानी कि इसकी परिधि जो है 144 ग्रेनाइट के पत्थर हैं जो उनके स्तंभों पर जो है ये टिकी हुई है। अब बात करूंगा मैं राज्यसभा के जो सदस्य थे जो राज्यसभा में थे और उसमें राज्यसभा के होने के बावजूद वो जो प्रधानमंत्री नॉमिनेट हुए थे, उनमें सबसे पहले बात आती है इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी जो था 1966 से 1967 तक जो है राज्यसभा की सदस्य रही, उसके बाद और फिर ये प्रधानमंत्री बनी इसमें। ठीक है, HD देवगौड़ा ये 1996-97 की इसमें जो है राज्यसभा के सदस्य रहे और फिर प्रधानमंत्री बने। बात करूंगा IK गुजराल की, ये 1997-98 में जो थे राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधान भी बने। और लास्ट में जो थी ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 2004 से 2014 तक जो है हमारे राज्यसभा के सदस्य भी थे और ये नॉमिनेट होके जो प्रधानमंत्री भी बने थे। तो आज को जो हमने संघीय संसद के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। ठीक है,
इसके पूरे 21 आर्टिकल में कौन सा क्या है प्रावधान है उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। तब तक के लिए थैंक यू। कल जो हम लोकसभा के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे। We'll be right back.